नमस्कार। आज इस सत्र में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ वार्षिक और इकाई योजना निर्माण पर। एक शिक्षक जब किसी विषय का शिक्षण का दायित्व तो उसको दिया जाता है तो वह उस विषय के समस्त क्रियाकलापों को कैसे संपादित करेगा, उस संपादन की पूरी रूपरेखा वो बनाता है। आप एक दिन जो कक्षा में पढ़ाते हैं उसकी पाठ्य योजना बनाते हैं, उसकी चर्चा हम किसी और सत्र में करेंगे, लेकिन पूरे वर्ष में आपको क्या क्या करना है, या यदि आपका पाठ्यक्रम प्रकरण आधारित या इकाई आधारित है तो उसमें आपको क्या क्या करना है, इसकी योजना भी आपको बनानी होती है। और इस योजना पर चर्चा करने के लिए मैं आज आपके साथ हूं। एक योजना निर्माण की आवश्यकता आपको क्यों होती है, एक शिक्षक के रूप में चिंतन करिए। आपको योजना निर्माण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि आपको विषय वस्तु का तार्किक और नियोजित संगठन करना है। आपको विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभवों का समायोजन करना है। वे अधिगम अनुभव कक्षा कक्ष में दिए जाने वाले हो सकते हैं, वे अधिगम अनुभव प्रयोगशाला में दिए जाने वाले हो सकते हैं, वे अधिगम अनुभव समाज के किसी क्रियाकलाप में भागीदार बनकर दिए जाने वाले हो सकते हैं, वे अधिगम अनुभव किसी भ्रमण के दौरान दिए जाने वाले हो सकते हैं। सभी प्रकार के अधिगम अनुभव जो उस विषय से संबंधित हैं वो आपको देने हैं, उन सब का नियोजन आप करते हैं। यदि मैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपसे बात करूं तो पर्यावरण अध्ययन विषय को ठीक प्रकार बच्चे समझ लें, उस विषय में जिस विषय वस्तु का निर्धारण किया गया है उससे संबंधित समस्त अनुभव उनको प्राप्त हो जाएं। वे अनुभव कितने प्रकार के हो सकते हैं, कहाँ कहाँ दिए जा सकते हैं, सबका नियोजन आपको करना होता है। साथ ही यदि आपको कुछ क्रियाकलाप कराने हैं तो वे क्रियाकलाप कौन कौन से हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनका नियोजन कैसे होगा। यदि कोई ऐसा अधिगम अनुभव या अधिगम अवसर आप देना चाहते हैं जहां बच्चों को कुछ अनुभव कराना है तो अनुभव जन्य अधिगम अवसरों हेतु पूर्व तैयारी करने के लिए और उनका नियोजन करने के लिए आपको योजना निर्माण की आवश्यकता होती है। और साथ ही आप जो कुछ उनको सिखाने वाले हैं, जो कुछ आपने उनके लिए निर्धारित किया है, उसका आकलन कैसे करेंगे, उन आकलन युक्तियों की पहचान करने के लिए और सतत आकलन के नियोजन में वो कैसे सहायक होगा, इसके लिए आपको योजना निर्माण की आवश्यकता होती है। चलिए हम चर्चा करते हैं कि जब आप योजना निर्माण करते हैं तो उसके मुख्य घटक क्या होते हैं। वही योजना चाहे वार्षिक योजना हो, चाहे पाठ्य योजना हो, चाहे इकाई योजना हो, चाहे मासिक योजना हो, प्रत्येक योजना के कुछ आधारभूत घटक होते हैं। बच्चों की क्षमताओं के संदर्भ में उनके शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण, अर्थात किन शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति आपको पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते समय करनी है, उन लक्ष्यों की जब हम बात करते हैं तो वे लक्ष्य निर्धारण किसी भी योजना का मुख्य घटक हो सकते हैं। कक्षा में सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं क्षमताओं वाले बच्चे हैं, कुछ अधिगम क्षमता वाले बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ सीमांत जो बच्चे होते हैं वे भी हो सकते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि के बच्चे हो सकते हैं। उन सारे बच्चों की विभिन्नताओं के परिप्रेक्ष्य में आप शैक्षिक लक्ष्य कैसे निर्धारित करेंगे, पाठ्यचर्या की उनसे क्या तारतम्यता होगी, इसका निर्धारण भी एक योजना में किया जाता है। बच्चों का स्तर क्या है, उनकी विशेषताएँ क्या हैं, उनकी रुचियाँ क्या हैं, उनकी योग्यताएँ क्या हैं, इनके साथ भी पाठ्य योजना का तारतम्यता निर्धारित करनी होती है। और साथ ही आपको ये भी पूर्वानुमान लगाना पड़ता है कि यदि आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते पर्यावरण अध्ययन विषय का शिक्षण करेंगे तो आपको कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, कक्षा में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उन समस्याओं से निपटने के लिए आपको पाठ्य योजना में थोड़ा लचीलापन भी लाना होता है। तो वह लचीलापन आपकी वार्षिक योजना में भी होना चाहिए, वह लचीलापन आपकी साप्ताहिक योजना में भी होना चाहिए, वह लचीलापन आपकी इकाई योजना में भी होना चाहिए। तो योजनाओं में लचीलापन जो है वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो किसी भी योजना का मुख्य घटक होता है। साथ ही यदि आपको पढ़ाते पढ़ाते आप किसी एक प्रविधि का प्रयोग कर रहे हैं और शिक्षक जब किसी एक प्रविधि का प्रयोग करता है वो चिंतन करके आता है कि मैं इस प्रविधि से प्रयोग करूंगा तो बच्चे सबसे अच्छा सीखेंगे, सबसे अच्छे उनको अनुभव के अवसर मिलेंगे, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते आपको यदि लगे कि इसके लिए किसी और वैकल्पिक योजना की आवश्यकता है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी भिन्न तरीके से पढ़ाए जाने की आवश्यकता है,
तो क्या उसमें उसके अवसर आपने अपनी योजना में रखे हैं? क्या योजना कठिनाइयों के निवारण में या सुधारात्मक हस्तक्षेपों के अवसर प्रदान करती है? क्या अधिगम हेतु उपयुक्त आकलन विधियों का चयन और नियोजन आप अपनी योजना के साथ कर रहे हैं? और एक योजना में जो सबसे अच्छा बिंदु है, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वह क्या आपकी योजना आपको अपने शिक्षण पर रिफ्लेक्शन का, मुक्त चिंतन का अवसर देती है कि नहीं देती है? यदि आप एक ऐसी योजना बनाते हैं जिसमें आपको मुक्त चिंतन के अवसर हैं, अपनी कार्यकलापों पर रिफ्लेक्ट करने के अवसर हैं, और वह कार्यकलापों पर रिफ्लेक्शन या मुक्त चिंतन आप शिक्षण अधिगम करते करते भी कर सकते हैं, शिक्षण अधिगम करने से पूर्व भी कर सकते हैं, और शिक्षण अधिगम करने के बाद भी कर सकते हैं, को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन इन एक्शन। रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन की बात करते हैं एक्शन से पहले, रिफ्लेक्शन इन एक्शन की बात करते हैं शिक्षण करते समय, और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन की बात करते हैं जो एक्शन हमने कर लिया अर्थात जो हमने शिक्षण कर लिया उसके बाद का चिंतन। तो हर प्रकार के मुक्त चिंतन के अवसर, क्या एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक होने के नाते आप अपनी योजना में रख रहे हैं अथवा नहीं रख रहे हैं? ये एक योजना निर्माण के मुख्य घटकों में शामिल होता है। जब आप एक योजना निर्माण करते हैं तो आपको कुछ आधारभूत प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होता है, जैसे बच्चे क्या करना या सीखना चाहते हैं। देखिए, यहीं पर मैं स्पष्ट करूं, हमारा आधारभूत प्रश्न ये नहीं होता कि हम क्या सिखाना चाहते हैं, अध्यापक क्या सिखाना चाहता है। हमारा आधारभूत प्रश्न होता है बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, बच्चे क्या करना चाहते हैं, और बच्चे जो सीखना या करना चाहते हैं उसके लिए कौन सी विषय वस्तु हो, वो किस प्रकार की हो, उसका स्वरूप कैसा हो, किन अधिगम युक्तियों का प्रयोग किया जाए, कैसे क्रियाकलापों का निर्माण किया जाए, क्या उन क्रियाकलापों के लिए विद्यालय या कक्षा में संसाधन उपलब्ध हैं, यदि उपलब्ध हैं तो उनका श्रेष्ठतम उपयोग कैसे किया जाए, यदि उपलब्ध नहीं है तो उनकी व्यवस्था कहां से की जाए, बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, यह भी आधारभूत प्रश्न होता है, लेकिन यह बाद में आता है। बच्चों में किस प्रकार का परिवर्तन लाना है, इस विषय के पर्यावरण अध्ययन की यदि हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षण के साथ किस प्रकार के और किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं पर्यावरण अध्ययन एक अंतरापृष्ठी विषय है जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान सबसे जुड़े विषयों का समावेश है, तो विभिन्न विषयों के साथ अंतः संबंध कैसे स्थापित किया जाए प्रत्येक पाठ्य वस्तु में, ये भी आपके लिए चिंतन का विषय है। तो योजना निर्माण करते समय आपको इन सब मूलभूत प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होता है, और यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे तो निश्चित ही आप अपनी योजना को श्रेष्ठ योजना के रूप में निर्मित कर पाएंगे। मैंने योजना निर्माण के विभिन्न चरणों को एक चक्र के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि यदि आपको एक योजना निर्मित करनी है तो आपको इन 5 चरणों में उस योजना को निर्मित करना होता है। पहला है विषयों के लक्ष्यों का परिभाषीकरण, दूसरा है उद्देश्य निर्माण, तीसरा है विषय वस्तु और शिक्षण विधि का चयन, चौथा है अनुदेशन का आयोजन, और 5वां है अधिगम का आकलन। अभी जब मैं प्रश्नों की बात कर रहा था तब मैंने यही प्रश्न रखे थे कि लक्ष्य क्या होंगे, उद्देश्य उनको प्राप्त करने के लिए कैसे निर्मित किए जाएंगे, उसके लिए कौन सी विषय वस्तु होगी, कौन सी शिक्षण विधि होगी, अनुदेशन कैसे आयोजित होगा कक्षा में, और फिर आप उसका आकलन कैसे करेंगे। चलिए, जब हम योजना निर्माण करते हैं तो मैंने चर्चा के प्रारंभ में ही कहा कि हम योजना कई बार पूरे वर्ष के लिए बनाते हैं, बनानी भी चाहिए, जो एक वार्षिक योजना होती है, फिर हम साप्ताहिक या इकाई योजना बनाते हैं, और फिर पाठ योजना बनाते हैं। वार्षिक योजना की जब मैं बात करता हूं तो वार्षिक योजना एक दीर्घकालिक योजना है जो संपूर्ण सत्र की योजना होती है, संपूर्ण शैक्षणिक सत्र की योजना होती है। यदि आप पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षक हैं तो पर्यावरण अध्ययन विषय में आपको, यदि कक्षा 4 में वो कक्षा दी गई है तो कक्षा 4 में पर्यावरण अध्ययन विषय में पूरे वर्ष में आपको क्या क्या करना है, कितनी कक्षाएं लेनी हैं, कितने भ्रमण कराने हैं, कितने क्रियाकलाप कराने हैं, किन संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, कितने प्रकार से आकलन करना है, आकलन के कितने अवसर देने हैं, सबकी संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण व्यवस्था ये वार्षिक योजना का अंग होती है। सभी पाठों के अनुरूप समय, संसाधन, पाठ्य सामग्री क्रियाएँ, ये सब इसके भाग होते हैं। यदि आप एक अच्छी वार्षिक योजना बनाना चाहते हैं तो आपको समस्त क्रियाकलापों का पूर्व नियोजन कर लेना चाहिए विषय वस्तु के आधार पर और अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, एक उदाहरण है कक्षा 5 के लिए
पर्यावरण अध्ययन की एक वार्षिक योजना का। एक शिक्षक ने इसमें प्रारंभ किया कि उसका अप्रैल से सत्र प्रारंभ होता है और उसने अनुमान लगाया कि अप्रैल में उसको 15 कार्य दिवस मिलेंगे। आप चार्ट को ध्यान से देखें, अप्रैल 15 दिन, फिर उसने लिखा इकाई हेतु दिवस, उस 15 दिवस में उसको दो इकाइयां पूरी करनी है, तो उसने बांट लिया कि मैं पहली इकाई 8 दिन में पूरी करूंगा, दूसरी इकाई 7 दिन में पूरी करूंगा। पहली इकाई उसने पर्यावरण की ली, दूसरी इकाई इसने मानव शरीर की ली, इकाई का नाम लिया। फिर उसको उस इकाई में क्या क्या करना है, यदि पर्यावरण की इकाई है तो उसमें उसको क्या क्या चीज़ें विषय वस्तु लेनी है, उसको सजीव निर्जीव वस्तुओं का अनुभव कराना है, पौधे और जंतुओं में अंतर पढ़ाना है, मैदान पहाड़ मरुस्थल घाटी इनकी विशेषताएं बतानी है, स्थानीय मौसम और जलवायु का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये बताना है, और उसका सतत आकलन करना है। फिर इस सब के लिए उसको किस सामग्री की आवश्यकता हो सकती है, उसको कुछ वास्तविक वस्तुएं चाहिए, कुछ मॉडल प्रतिमान चाहिए। उसने लिखा कि उसको एक वृत्तचित्र भी दिखाना पड़ सकता है, दो दिन का अनुभव है, उसने अपने अनुभव के आधार पर अपने नियम बनाया है कि वो एक वृत्तचित्र इस इकाई में दिखाएगा। बच्चों को कुछ व्यक्तिगत अनुभव देने हैं, एक दिन का उनको क्षेत्र भ्रमण भी कराना है, तो उसने वो भी प्लान कर लिया कि यदि मेरे पास 8 दिन हैं तो 8 दिन में मुझे 2 दिन वृत्तचित्र दिखाने हैं, एक दिन क्षेत्र भ्रमण कराना है, शेष दिवसों पर उन्हें उसे कक्षा में और विद्यालय में अनुभव प्रदान करने। इसी तरह से उसने मानव शरीर के लिए किया। इसी तरह से फिर उसने देखा कि मई में उसको 10 कार्य दिवस मिलेंगे, तो 5 कार्य दिवसों में वो आवास नाम की इकाई पर कार्य करेगा और 4 कार्य दिवसों में वो परिधान नाम की उस पर कार्य करेगा, और 1 दिवस उसने इकाई परीक्षण के लिए रख लिया। उसने फिर देखिए लिखा है कि यदि उसको आवास पढ़ाना है तो आवास में उसको क्या क्या बात करनी है, आवास में घर के घटक, स्थानीय इमारतें, विशिष्ट उपयोग की इमारतें जैसे पंचायत घर, विद्यालय, डाकघर, पुलिस थाना, इन सब चीज़ों की उसको जानकारी देनी है। तो उसने तुरंत सोचा कि ये सब जानकारी देने के लिए मुझे क्या करना होगा, बच्चों के घर के व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करना होगा, घर के स्थान विभाजन पर रेखा चित्र बनवाना होगा, उस बच्चों को ये क्रियाकलाप ये दे सकता है कि वो अपने घर में कितने कमरे हैं, कौन सा कमरा कहाँ है, इसका एक रेखा चित्र बनवा ले। स्थानीय इमारतें यदि महत्वपूर्ण इमारतें हैं जैसे पंचायत घर है, विद्यालय है, डाकघर है, थाना है, उनका भ्रमण भी रख सकता है। तो वो एक वार्षिक योजना में ये तय करता है कि एक माह में कुल कितने कार्य दिवस होंगे, उन कार्य दिवसों में वो कितनी इकाइयाँ पूरी करेगा, उन इकाइयों पर मोटी मोटी किस विषय वस्तु से संबंधित चर्चा होगी, कौन कौन से महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हो सकते हैं, उसके लिए किस प्रकार की सामग्री का नियोजन उसको करना होगा। तो जब एक शिक्षक वार्षिक योजना बनाता है तो इस प्रकार से वो पूरे वर्ष की योजना बनाता है। मैंने आपको अप्रैल और मई माह का उदाहरण दिया, इसी प्रकार से वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो पूरी पाठ्य वस्तु को बांट लेता है, उसमें सारे दिवसों की गणना रहती है, कितने दिवस प्रवेश में जाने हैं, कितने दिवस में कोई परीक्षा होनी है, कितने दिवस में कोई खेलकूद प्रतियोगिता होनी है, किन दिवसों में वार्षिकोत्सव होने हैं, उन सारे दिवसों का भी निर्धारण वो कर लेता है। तो उसको अपने विषय के लिए कितने दिवस मिलेंगे और उसके आधार पर वो तय करता है कि उसको उन दिवसों में अपनी विषय वस्तु को कैसे प्रस्तुत करना है। ये वार्षिक योजना की बात हुई। जब हम इसको और स्पष्ट करते हैं तब हम एक इकाई योजना का निर्माण करते हैं। वार्षिक योजना के आधार पर इकाई योजना में विषय वस्तु भिन्न भिन्न इकाइयों में वितरित हो जाती है, बांट दी जाती है, और एक इकाई की विस्तृत योजना, अब एक इकाई की योजना जो बनती है वो इकाई योजना या यूनिट प्लानिंग, यूनिट प्लान कहलाता है। सामान्यतः यदि आप अपनी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक इकाई लगभग एक जैसी विषय वस्तु से होती है। एक इकाई में सामान्यतः बहुत प्रकार की विषय वस्तु नहीं होती, एक इकाई एक मूल विषय वस्तु होती है और उसके चारों ओर और विषय वस्तु उसमें बटी रहती है। फिर एक इकाई विषय वस्तु की, किसी इकाई में कम विषय वस्तु हो सकती है, किसी इकाई में ज़्यादा विषय वस्तु हो सकती है। हो सकता है एक इकाई आपको ऐसी मिले जिसको आप 3 पाठों में समाप्त कर दें, अर्थात 3 कार्य दिवसों की आपको आवश्यकता हो। हो सकता है कोई ऐसी इकाई आपके पाठ में, आपकी पुस्तक में हो, पाठ्य पुस्तक में, जिसको आपको 7 से 8 दिन में समाप्त करना हो। तो एक इकाई में विषय वस्तु की कितनी मात्रा है उसके आधार पर आप पाठों का निर्धारण करते हैं कि उस इकाई में मुझे कितने पाठ पढ़ाने होंगे। इकाई योजना सामान्यतः कुछ दिवसों या एक सप्ताह की योजना होती है और इकाई योजना का आधार विषय वस्तु की मात्रा होती है। यदि विषय वस्तु ज्यादा है तो इकाई योजना में ज्यादा पाठों का समावेश होगा, यदि विषय वस्तु कम है तो इकाई योजना में कम पाठों का समावेश होगा। यदि आप कोई भी इकाई योजना देखें जो आपकी पाठ्य सामग्री में भी दी गई है,
प्रत्येक इकाई योजना किसी एक केंद्रीय समस्या, एक केंद्रीय मुख्य प्रकरण या एक उद्देश्य के इर्द गिर्द संगठित की जाती है, और उसमें जो आपका मुख्य प्रकरण है, जो मुख्य थीम है, उस थीम के चारों ओर के सारे कॉन्सेप्ट, सारी संकल्पनाएं एक इकाई में समाहित होती हैं। जैसे यदि जल आपकी पुस्तक में पाठ है और उसको आप एक इकाई के रूप में लेते हैं, तो जल के स्रोत, पेयजल, पेयजल की कमी, जल संरक्षण के उपाय, जलीय जीव, जल के स्रोतों के चारों ओर या आसपास रहने वाले लोगों की जीवन शैली, जल यातायात, ये विभिन्न पाठ हो सकते हैं, लेकिन सबका मुख्य केंद्र क्या है? जल है। तो वो जल एक इकाई है, उसमें जो आपकी पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु दी गई है, उस विषय वस्तु को आप छोटे छोटे घटकों में बांटकर एक दिन में कितनी विषय वस्तु आप पढ़ा सकते हैं, उसके हिसाब से पाठों की संख्या का निर्धारण और पाठों में कितनी विषय वस्तु देनी है उस मात्रा का निर्धारण आप कर लेते हैं। फिर आप उद्देश्यों का, कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं का और मूल्यांकन तकनीकों पर विचार करते हैं कि इस इकाई के उद्देश्य क्या होंगे, कौन कौन सी कक्षा कक्ष प्रक्रियाएं हमें करानी होंगी, किन मूल्यांकन तकनीकों के प्रयोग से, किन आकलन तकनीकों के प्रयोग से हम इस इकाई का आकलन कर सकते हैं, दैनिक पाठों के लिए हमें किस प्रकार के क्योंकि जब आप इकाई योजना बनाते हैं तो आप ये तय कर लेते हैं कि आपको कितने पाठ पढ़ाने और पाठ के लिए किस संसाधन की आवश्यकता होगी। तो आप चूंकि इकाई योजना पहले बना लेते हैं तो आपको संसाधनों की व्यवस्था करने में इकाई योजना मदद करती है। सामान्यतः यदि आप एक इकाई योजना को देखें तो इकाई योजना के 5 चरण होते हैं। सबसे पहले आप एक इकाई को, जब आप इकाई योजना का निर्माण प्रारंभ करते हैं, उसको कुछ उप इकाइयों में बांटते हैं, सब यूनिट्स में। उसके बाद उसके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, इकाई के उद्देश्यों का। फिर उन विधियों या शिक्षण की तकनीकों का निर्धारण करते हैं, फिर उन विधियों का प्रयोग करके किस प्रकार की अंतःक्रिया आपको करनी है उसका नियोजन करते हैं, और अंत में आप मूल्यांकन का नियोजन करते हैं। हम इन चरणों पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। एक इकाई को उप इकाइयों में बांटना या इकाई का उप इकाइयों में विभाजन, यह पहला चरण है। इस चरण में इकाई को कितने पाठों में आप समाप्त करना चाहते हैं उसके आधार पर छोटी छोटी उप इकाइयों में बांटा जाता है। उप इकाइयां सामान्यतः सार्थक रूप से किसी एक संप्रत्यय से सीधे जुड़ी होती हैं, या जो आपस में जुड़े हुए संबंधित संप्रत्यय हैं उनसे उनका संबंध होता है। आप ये कह सकते हैं कि एक उप इकाई सामान्यतः उतनी विषय वस्तु होती है जो आप एक कालांश में, अर्थात एक दिन में आपको जो एक घंटा या एक पीरियड मिलता है पढ़ाने के लिए, उसमें आप जितनी विषय वस्तु पूरी कर सकते हैं वो सामान्यतः एक उप इकाई होती है। तो जरूरी नहीं है कि हर इकाई में समान मात्रा में उप इकाइयां हों। किसी इकाई में 4 उप इकाइयां हो सकती हैं, किसी में 2 भी हो सकती हैं, तो किसी में 8 भी हो सकती हैं। ये निर्भर करेगा उस पूर्ण इकाई में कितनी विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को आप कितने पाठों में, कितने कालांशों में पूरा करना चाहते हैं, और कितने उप इकाइयों में, सार्थक उप इकाइयों में बांटना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक शिक्षण बिंदु लिया, आपने एक शीर्षक लिया, नहीं, इस शीर्षक के बारे में आधी जानकारी आज देंगे, आधी जानकारी कल देंगे, नहीं, एक संप्रत्यय के संबंधित पूरी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको चिंतन करना होता है विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर भी। फिर आप इकाई के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। जब आप उसकी विषय वस्तु का निर्धारण कर लेते हैं कि वो कौन से उद्देश्य हैं जो आपको प्राप्त करने हैं, सामान्यतः व्यवहारिक शब्दों में इकाई उद्देश्य लिखे जाते हैं। और इकाई के उद्देश्य जो हैं उनकी विशिष्टता ये होती है कि वो अध्यापक केंद्रित होते हैं, वो छात्र केंद्रित नहीं होते। पाठ योजना के उद्देश्य विद्यार्थी केंद्रित होते हैं, इकाई योजना के उद्देश्य सामान्यतः अध्यापक केंद्रित होते हैं, ये भिन्नता है। इसीलिए ये पाठ योजना के उद्देश्यों से भिन्न होते हैं, और इकाई योजना के जो उद्देश्य होते हैं उनका आकलन आप इकाई परीक्षण या यूनिट टेस्ट के माध्यम से करते हैं। आप यूनिट टेस्ट प्रतिदिन लेते हैं क्या? नहीं ना। जब एक पाठ से संबंधित सभी पाठों का शिक्षण आप कर लेते हैं उसके बाद ही तो इकाई परीक्षण होता है। तो इकाई परीक्षण एक इकाई का परीक्षण होता है, इसलिए उसको इकाई परीक्षण या यूनिट टेस्ट कहते हैं। तीसरा चरण है विधियों या शिक्षण की तकनीकों का निर्धारण। जब आप उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं, जब आप इकाई को उप इकाइयों में बांट लेते हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपको उचित शिक्षण विधियां कौन सी चुननी है, किस उप इकाई में अर्थात किस पाठ में किस प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करना है, किन क्रियाकलापों का आयोजन करना है, कौन से प्रयोग कराए हैं, कौन
कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है, इन सब का निर्धारण आप करते हैं। ये कक्षा में जैसे पूर्व व्यवस्थापन जो हो जाता है ना, पहले से आपको जो व्यवस्था करनी है, तो उस पूर्व व्यवस्थापन में ये मदद करती है। और पूर्व अभ्यास के अवसर, पूर्व अभ्यास के अवसर भी मिल जाते हैं। मान लीजिए आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हैं, शिक्षक हैं, और आप कोई ऐसा विषय उनको पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें आपको कोई प्रयोग का प्रदर्शन करना है, तो यदि आपने इकाई योजना का निर्धारण करते समय ये तय किया कि इस उप इकाई या इस उप पाठ में मुझे इस प्रयोग का प्रदर्शन करना होगा, तो चूंकि आपने इकाई योजना बना ली है तो आप उस प्रयोग का पूर्व अभ्यास भी कर सकते हैं, ताकि कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष आपको असफल ना होना पड़े। फिर आप अंतःक्रिया के बारे में नियोजन करते हैं। बच्चों में आपको कक्षा कक्ष में बच्चों के साथ किस प्रकार की अंतःक्रिया करनी है, किस प्रकार के प्रश्न करने हैं, किस प्रकार की परिचर्चा करनी है, किस प्रकार का उदाहरण देना है या पूछना है, कौन सा स्पष्टीकरण लेना है, क्रियाकलापों में बच्चों की भागीदारी कैसे समाहित करनी है, आपकी भूमिका क्या रहने वाली है, क्या आप एक प्रेक्षक की भूमिका में हैं, क्या आप एक प्रेरक की भूमिका में हैं, क्या आप एक अन्वेषक की भूमिका में हैं, या आप एक सहायक की भूमिका में हैं, इसका भी निर्धारण आपको करना है। और शिक्षण के लिए समय प्रबंधन में भी इकाई योजना आपको मदद करती है, क्योंकि आप ये तय कर लेते हैं विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर कि कौन सी विषय वस्तु आपको 2 घंटे में पूरी होगी, कौन सी विषय वस्तु 1 घंटे में पूरी हो जाएगी, कौन सी विषय वस्तु के लिए पूरा सप्ताह लगेगा, तो कितना समय है एक इकाई के लिए, आपने अपने वार्षिक योजना में कितने दिन निर्धारित किए हैं, उतने दिवसों में ही आपको उस इकाई से संबंधित क्रियाकलापों को संपूर्ण करना है। तो जब आपने वार्षिक योजना बनाते समय यदि तय किया कि 7 कार्य दिवस इकाई 2 के हैं, तो इकाई 2 के सारी उप इकाइयों के लिए और इकाई परीक्षण के लिए कुल मिलाकर आपके पास 7 दिवस हैं, तो आप उसी आधार पर अपनी शिक्षण की गति का निर्धारण करते हैं और शिक्षण का समय प्रबंधन करते हैं। और उसके बाद आप एक मूल्यांकन की व्यवस्था करते हैं। किस प्रकार का मूल्यांकन करना है, बच्चों की प्रगति के मूल्यांकन का नियोजन कैसे करना है, आकलन के लिए हमारे परीक्षण का स्वरूप कैसा होगा, उसके प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा, आकलन के लिए जो हमने इकाई के उद्देश्य निर्धारित किए थे उनके लिए हमें कौन से क्रियाकलाप कराने होंगे, और अधिगम में यदि कोई कमी रह गई है तो उस कमी का आकलन कैसे होगा। तो हम जो है इन सब चीजों के प्रयोग से ये प्रयास करते हैं कि एक अच्छा इकाई योजना निर्मित हो। तो यदि मैं संक्षिप्त में इसको समेटना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक शिक्षक को पाठ योजना से पहले 2 प्रकार की योजनाएं बनानी होती हैं, एक वार्षिक योजना और एक इकाई योजना। यदि आप पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षक हैं तो पर्यावरण अध्ययन विषय की वार्षिक योजना बनाते समय आप ये निर्धारित करते हैं कि आपको कुल कितनी इकाइयों का शिक्षण करना है, आपके पास कुल कितने कार्य दिवस उपलब्ध हैं, उन कार्य दिवसों में आपको कितने कार्य दिवस कक्षा कक्ष शिक्षण में देने हैं, कितने कार्य दिवस उनको कक्षा के बाहर ले जाकर कोई अनुभवात्मक कार्य कराना है, उनको भ्रमण पर ले जाना है, उनको कोई फैक्ट्री में ले जाना है, उनको कोई क्रियाकलाप कराना है, यदि आप उनको कोई प्रोजेक्ट देना चाहते हैं तो आप किस विषय वस्तु के लिए प्रोजेक्ट देंगे, क्योंकि ये सारी विधियों का प्रयोग आपको करना है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन विषय अनुभव का विषय है, तो आपको अनुभव के अवसर प्रदान करने हैं। लेकिन अनुभव के अवसर प्रदान करने के लिए आप हर इकाई में तो परियोजना कार्य नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास कार्य दिवस सीमित कार्य दिवस हैं, तो आपको कितने प्रकार के क्रियाकलापों का आयोजन करना है, पूरे वर्ष में किस पाठ में आप परियोजना कार्य दे सकते हैं, किस इकाई के लिए आप भ्रमण करा सकते हैं, किस इकाई के लिए आप उनको प्रयोग करके दिखा सकते हैं, किस इकाई के लिए आप उनके किसी परिवार के सदस्य, किसी का पिताजी चिकित्सक हैं, किसी के पिताजी किसान हैं, किसी का कोई मित्र है या उनके मित्र के कोई पिताजी हैं जो किसी एक विशेष कार्य में संलग्न है जिसका संबंध आपके विषय की विषय वस्तु से है, तो उनका भाषण आप कब करा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो आप पूर्ण रूप से एक आकलन करते हैं पूरे वर्ष का, वो आपकी वार्षिक योजना होती है। और जब आप वार्षिक योजना बना लेते हैं तो आप तय कर लेते हैं कि आपको किस इकाई के लिए कितने दिवस देने हैं। फिर जब उस इकाई का नियोजन आप करते हैं कि यदि मैंने एक इकाई के लिए 7 दिवस तय किए हैं तो 7 दिवसों में मुझे इस इकाई को कितने पाठों में बांटना है, कितनी उप इकाइयों में बांटना है, उसके लिए कौन कौन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुझे अपनानी है, कौन से अनुभव देने हैं,
कितने दिन में इकाई परीक्षण करना है, उसका जब आप प्रतिदिन का अलग अलग नियोजन कर लेते हैं, 7 दिवसों में दिवस 1 में क्या होगा, दिवस 2 में क्या होगा, दिवस 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा, 5 में क्या होगा, जब इस प्रकार का आप एक आकलन का पूरा चित्र बना लेते हैं और नियोजन करते हैं तो वो आपकी इकाई योजना होती है। और जब इकाई योजना बन जाती है तो वो आपको पाठ योजना निर्माण में बहुत मदद करती है। मित्रों, मैंने प्रयास किया है इस परिचर्चा के माध्यम से कि आपके समक्ष मैं वार्षिक योजना और इकाई योजना के दोनों संप्रत्ययों को स्पष्ट कर सकूं, दोनों में भिन्नता स्पष्ट कर सकूं और दोनों का महत्व एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए कितना है वो आपके सामने स्पष्ट कर सकूं। मुझे आशा है कि इस परिचर्चा को सुनने के बाद आप जब अपनी योजना बनाना चाहेंगे तो आप एक वार्षिक योजना बनाकर फिर उस पर इकाई योजना बनाएंगे, और यदि आप एक अच्छी इकाई योजना बना लेंगे तो फिर आप अच्छी पाठ्य योजना निश्चित तौर पर बना पाएंगे। पाठ्य योजना बनाने की प्रविधियाँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं, वो जब पाठ्य योजना विषय पर चर्चा होगी तब उस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन पाठ्य योजना से पहले आपको वार्षिक योजना और इकाई योजना का निर्माण करना है। इस पर चर्चा का यही उद्देश्य था और मुझे आशा है कि मैं उस उद्देश्य को प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल रहा हूँ। आपने इस परिचर्चा को बहुत ध्यान से सुना और इसको आप अपने शिक्षण अधिगम में प्रयोग करेंगे, इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।